नमस्कार, मैं हूं मपाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक दिन में 8.8 डिग्री गिरा तापमान, ठंडक बढ़ी। आगामी 48 घंटों में और बढ़ेगी ठंडक, गिरेगा तापमान, फसलों पर पाला पड़ने की आशंका। यूं तो दिसंबर और जनवरी महीने को ठंड का महीना माना जाता है, लेकिन इस बार दिसंबर महीने में कोई खास सर्दी नहीं पड़ी और दिन में तेज धूप खिली, जिस कारण किसान भी चिंतित थे। लेकिन नई साल की शुरुआत होने के बाद मौसम पलटा खा गया, जिस कारण आज सोमवार को दिन भर सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए और तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड बढ़ गई। कड़कड़ाती ठंड में दिन भर लोग अलाप तापते और ऊनी कपड़ों से लदे हुए नजर आए। वहीं बच्चे और बुजुर्ग अक्सर घरों में ही रहे। इसके अलावा युवा भी जरूरी कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकले। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में 2-3 डिग्री तापमान और गिरेगा, जिससे ठंडक बढ़ेगी। हालांकि इस बढ़ती ठंड को गेहूं की फसल के लिए अच्छा माना जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार धौलपुर जिले में आगामी 48 घंटे में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह ने बताया कि धौलपुर जिले में अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जहां 30 दिसंबर को अधिकतम तापमान 25 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री, वहीं 31 दिसंबर को अधिकतम तापमान 20.3 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा 1 जनवरी को अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं आज 2 जनवरी सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 11.3 डिग्री दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई गई है, जिसके कारण जिले में कहीं कहीं फसलों पर पाले पड़ने की संभावना है। जिला परिषद सीईओ ने पत्नी सहित अन्य के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। सरकारी आईडी हैक कर गबन करने का भी आरोप। पत्नी का आरोप, पद का दुरुपयोग कर मुझे झूठा फंसाना चाहते हैं। जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे शमशान में एक चिता के सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फोटो में अधिकारी को अघोरी और तांत्रिक बताया जा रहा है। इसे लेकर सीईओ चौहान ने अपनी पत्नी साली और मामा ससुर के खिलाफ सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का मुकदमा कोतवाली थाना धौलपुर में दर्ज कराया है। इसके साथ ही अधिकारी ने अपनी पत्नी पर सरकारी आवास से लैपटॉप चोरी कर नरेगा के कई कार्यों को बिना पत्रावली पर अनुमोदन किए सरकारी लैपटॉप से मंजूरी देकर गबन के मामले में फंसाने का मामला दर्ज कराया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वर्तमान में कार्यवाहक कलेक्टर चेतन चौहान ने बताया कि वैचारिक मतभेदों के चलते उनकी पत्नी सीना चौहान से विवाद चल रहा है, जिसके चलते उनकी पत्नी 5 मई 2021 को उनके सरकारी आवास से सरकारी लैपटॉप चुराकर ले गई, जिस लैपटॉप को वापस कराने के लिए नरेगा बाबू को 14 अगस्त 2022 को जोधपुर भेजा गया।
पत्नी द्वारा नरेगा बाबू को लैपटॉप देने से मना करने के बाद सरकारी कार्यालय से 17 नवंबर 2022 को पत्नी को पत्र लिखकर लैपटॉप वापस मांगा गया, जिसके बाद 26 नवंबर 2022 को ईमेल के जरिए पत्नी से लैपटॉप वापस देने के लिए कहा गया। लैपटॉप वापस ना देते हुए उनकी पत्नी शीना चौहान ने अपनी बहन मीनू शंकर और मामा ससुर संजय व्यास शंकर के साथ मिलकर नरेगा की सिक्योर सॉफ्ट पोर्टल पर जिला कलेक्टर के आईडी पासवर्ड से 30 नवंबर 2022 को बिना पत्रावली पर स्वीकृति के 29 कार्यों को मंजूरी दे दी गई, जिसके जरिए उनके ससुराल पक्ष के लोग उन्हें गबन के मामले में फंसाना चाहते हैं। मोबाइल हैक कर फोटो से छेड़छाड़ करने का आरोप। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने बताया कि उनकी पत्नी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जोधपुर में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात है, जिन्होंने उनका मोबाइल हैक कर लिया। उन्होंने पत्नी पर उनके फोटो से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया के साथ सभी रिश्तेदार को उन्हें अघोरी साधु फोटो वायरल बताकर वायरल करने का मामला दर्ज कराया है। सास के अंतिम संस्कार के बाद के है फोटो। सीईओ चेतन चौहान ने बताया कि उनकी सास निधि शंकर का 3 मई 2021 को धौलपुर में निधन हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार उन्होंने धौलपुर के मुक्ति धाम में किया था। अंतिम संस्कार के बाद वह दो बार उनकी चिता के सामने बैठकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, जिसके बाद वह घर पर अपने साथ के लिए दीपक जलाकर प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी साली और मामा ससुर ने फोटो से छेड़छाड़ करते हुए सभी रिश्तेदारों के साथ सोशल मीडिया पर उन्हें अघोरी साधु बताते हुए उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, जिसका उन्होंने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। पत्नी बोली आरोप झूठे, पद का दुरुपयोग कर झूठे मामले में फंसाना चाहते हैं पति। कोतवाली थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज होने के बाद फर्स्ट ट्रैक ने आरएएस चेतन चौहान की पत्नी शीना चौहान से मोबाइल पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि आरोप पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने बताया कि उनके पति ने नवंबर माह में तलाक के लिए अर्जी लगाई है, जिसके बाद वे सरकारी पद का दुरुपयोग कर उन पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और झूठे आरोप में फंसाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि सीईओ चौहान को 1.5 वर्ष बाद लैपटॉप चोरी होने की याद क्यों आ रही है, सारे आरोप झूठे हैं। यह लगातार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसे लेकर मैंने जिला कलेक्टर और सरकार से भी कार्यवाही करने की गुहार लगाई है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हमारी 9 साल की बेटी है, ये एक गैर जिम्मेदार पिता है, बेटी की भी बिल्कुल देखरेख नहीं कर रहे, उसके स्कूल में भी उन्होंने टीसी की एप्लीकेशन लगा दी है। मेरी पत्नी ने जो ऑफिशियल लैपटॉप है वो चोरी कर लिया और उसमें ओटीपी और बाकी चीज़ों के माध्यम से मेरा मोबाइल हैक करके और मेरी जो क्या कहते हैं तस्वीरें उनको काट छाट करके और मेरी छवि धूमिल करने के हिसाब से पूरा सिस्टम को मेरे मोबाइल सिस्टम को हैक कर दिया और इसमें इनके साथ इनकी बहन और इनके मामा भी शामिल हैं। और जो हमारा जो सरकारी लैपटॉप चुराया जो नरेगा से संबंधित था उसमें भी 29 और 30 तारीख की ट्रांजैक्शन रही हैं, जिसमें उस दिन भी मेरे पास कलेक्टर का चार्ज था और उस दिन काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन हुए बिना स्वीकृति के, और क्योंकि मेरा मोबाइल और मेरा लैपटॉप है वो दोनों हैक कर लिए, तो इस वजह से ये सारी ट्रांजैक्शन हुई और इन ट्रांजैक्शन में मुझे गबन में फंसाने की तैयारी चल रही है। दो गुटों में हुई फायरिंग, गोली लगने से राहगीर युवक हुआ घायल।
बाड़ी कस्बे के इस्लामिया मदरसा सीताराम बाजार के मुख्य चौराहे पर रविवार की रात्रि 9 बजे एक समुदाय विशेष के दो पक्षों में सब्जियों के ठेले लगाने व पुराने विवाद को लेकर झगड़े का मामला सामने आया है। उक्त झगड़े में पथराव व फायरिंग की घटना सामने आई है। घटना के दौरान मस्जिद में से नवाज पढ़कर लौट रहे एक युवक को गोली लगी है, वहीं दूसरा युवक हमले में घायल हुआ है। दोनों घायलों को बाड़ी अस्पताल से निजी अस्पताल रेफर किया। घटना को लेकर सीओ मनीष कुमार शर्मा के साथ कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रात्रि में बाजार में पुलिस जाप्ता भी तैनात किया गया। घटना के बाद से शहर के दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार कसाईपाड़ा मोहल्ला लोहार बाजार मोहल्ला के दो पक्षों में कोई पुराना विवाद चल रहा है, जिसको लेकर रविवार को दोनों पक्ष मदरसा चौराहे पर रात्रि 8 से 9 बजे के बीच में आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव होने लगा और फायरिंग भी की गई। इस घटना के दौरान सामने मदरसा मस्जिद में से नमाज पढ़कर लौट रहे अरवाज पुत्र अब्दुल हई के पैर में गोली लगना बताया है, जो जिला अस्पताल में भर्ती है। वही घटना में रेहान पुत्र बबुआ भी घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों से हुए पथराव की घटना में एक बाइक को क्षतिग्रस्त किया गया और मदरसा चौराहे पर 20 सड़क पर पटक कर जलाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद आरोपी भाग खड़े हुए। पुलिस द्वारा बाइक को जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस बाड़ी कस्बे के कसाई पाड़ा लोहार बाजार में आरोपियों के घरों पर दबिश दे रही है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आपस में झगड़ा हो रहा था सामने से, मैं नवाज पढ़ के निकला, सीधी गोली चल रही थी आमने सामने। उसमें जागीर का सलमान था, कल्ला था और वो था सद्दाम। आपने गोली लगी है और भी किसी आदमी गोली लगी है? नहीं। दोस्तों के साथ नववर्ष मनाने गए युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। बसी नवाब कस्बा के समीप गांव पिपहेरा के एक युवक की गंगापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिपहेरे का युवक सौरभ पुत्र घूरेलाल शर्मा उम्र करीब 22 साल धौलपुर जिले के कस्बा सरमथुरा के एक निजी विद्यालय में पढ़ाता था। 31 दिसंबर 2022 को सौरभ सरमथुरा से अपने दोस्तों से मिलने के लिए गंगापुर गया था। अगले दिन नववर्ष के दिन दोस्त से मिलने के बाद सौरभ गंगापुर रेलवे स्टेशन पर शाम करीब 8 बजे आया था। इस दौरान ट्रेन के आने के इंतजार में सौरभ मोबाइल फोन से बात करते करते रेलवे ट्रैक पर घूम रहा था। इसी दौरान अचानक उसी रेलवे ट्रैक पर आ रही रेल की चपेट में आ गया, जिसे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर युवक के मिले मोबाइल फोन से ही पहचान कर सूचना परिजनों को दी गई। मौत की सूचना मिलने पर परिजनों में हड़कंप मच गया और मौके पर गंगापुर पहुंचे। पुलिस ने सौरभ के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक युवक सौरभ के शव का गांव पिपहेरा में सोमवार शाम को दाह संस्कार किया गया। मृतक के पिता घूरेलाल शर्मा ने बताया कि दोनों बेटे सौरभ और मोनू सरमथुरा के एक निजी विद्यालय में पढ़ाते थे और साथ ही आगामी रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। मोनू 4 दिन पूर्व ही सरमथुरा से वापस गांव आ गया था और सौरभ गत दिवस शनिवार को ही सरमथुरा से गंगापुर सिटी अपने दोस्तों से मिलने गया था। आपके शहर धौलपुर में अब एक ही छत के नीचे देश के नामी ब्रांड की टाइल्स और सैनिटरी उपलब्ध।
हमारे यहाँ सिंपोलो बर्मोरा कंपनी की सुंदर और टिकाऊ टाइल्स मिलती है, जिसमें फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की टाइल्स उचित कीमत पर मिलती हैं। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी, नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के मौके पर टाइल्स खरीदने पर विशेष छूट। सिंपोलो व बर्मोरा शोरूम, जय दुर्गा इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सैपुर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। न्यू ईयर से गणतंत्र दिवस तक इलेक्ट्रिक स्कूटी की खरीद पर विशेष छूट, साथ में सरकार से 10,000 रुपए तक की 5 सब्सिडी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी। एक्सचेंज ऑफर, कोई भी पुरानी स्कूटी लाओ और नई ले जाओ। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। धौलपुर जिले के विभिन्न कस्बों में डीलरशिप लेने के लिए इच्छुक लोग भी संपर्क करें। AMO मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धि विनायक मोटर्स, पता SP कोठी के पास, GT रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गोयल। सब्जी विक्रेता के साथ ठगी, बैंक खाते से उड़ाए 41,000 रुपए। धौलपुर शहर के नजदीकी सरारनी खेड़ा के निकटवर्ती गांव चौमनिया का पुरा का रहने वाला सीताराम कुशवाहा पुत्र कन्हैयालाल, जो सरारनी खेड़ा कस्बे में सब्जी का ठेला लगाता है, पीड़ित का कहना है कि सुबह किसी अनजान नंबर से फोन आया तथा अकाउंट में 41,000 रुपए डालने की बात कही, जिसे पीड़ित सब्जी विक्रेता ने OTP दे दिया। उसके बैंक खाते से 41,000 रुपए कट गए। पीड़ित सीताराम की 1 माह बाद बेटी की शादी है। मेरा नाम सीताराम है, नाम चौनिया पर है, ठेले की सब्जी की ठेला लगाता हूँ साहब। मेरी बच्ची की 1 महीना बाद शादी है, कहते हैं मैंने खाते में 42,000 का सब्जी कर पहुँचे हैं। अनजान नंबर से सुबह फ़ोन आया 10:25 पर, माने गई 41,000 रुपये खाते में डाल रहे हैं, माने OTP ले लिया, बातें बाद में खाते में 41,000 रुपये कट गए हैं। मैं SP ऑफिस में धौलपुर FIR करवाई है मैंने, इसकी रिपोर्ट नंबर मैं बता रहा हूँ। युवा नेता विवेक सिंह बोहरा ने निकाली नववर्ष मिलन पदयात्रा। धौलपुर के युवा नेता एवं समाज सेवी विवेक सिंह बोहरा द्वारा रविवार को धौलपुर विधानसभा के शहरी इलाके के कोठी एवं शहर मंडल में नववर्ष मिलन करने के लिए एक पदयात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा महात्मा नंद की बगीची, पुराना शहर धौलपुर से शुरू होकर कुमार पाड़ा, फूटा दरवाजा, फद्दी चौराहा, जगंडा केज, कोटी धौलपुर, लाल बाजार, सोडकार बाजार, नरसिंह रोड, संतर रोड होते हुए बस स्टैंड पर जाकर समाप्त हुई। इस यात्रा के दौरान नगरवासियों द्वारा विवेक सिंह बोहरा का जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत में जगह जगह बोहरा को साफा एवं माला पहनाई गई। इस दौरान खाद्य सामग्री लोगों में वितरित करके अपना समर्थन एवं स्वागत लोगों ने जाहिर किया। इस कार्यक्रम में विवेक सिंह बोहरा के साथ टीम विवेक सिंह बोहरा के सहयोगी मौजूद रहे। शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी पर मंगलवार को होगी महाआरती। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर कल मंगलवार को शाम 5 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 1 बजे से संगीतमय सुंदरकांड का पाठ होगा। इसके पूरे होने के बाद शाम 5 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पुजारी ने भक्तगणों से अपील की है कि परिवार सहित महाआरती में शामिल हो और भंडारे का आनंद उठाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। कल मंगलवार को शेरगढ़ के किले वाले प्राचीन हनुमान जी मंदिर पर दिन के 1 बजे से संगीत में सुंदरकांड का पाठ होगा। शाम 5 बजे महाआरती होगी। आरती के बाद भंडारे का आयोजन भी होगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में मंदिर पर पहुँचकर पुण्य लाभ कमाएं।
रानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का हुआ समापन। धौलपुर महारानी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रेरणा नगर धौलपुर में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का समापन समारोह संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के द्वारा ज्ञान की देवी सरस्वती का दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। संजना जाट एवं निशि शर्मा द्वारा सांस्कृतिक गीत व नृत्य की प्रस्तुति प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि डॉक्टर एस के जैन प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर रहे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में छात्राओं को अनुशासन में रहकर शिक्षा प्राप्ति पर विशेष बल दिया। विशिष्ट अतिथि तलित फातिमा पूर्व प्राचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर रहे, जिन्होंने कानून संविधान विधि का मानव जीवन में क्या उपयोग है इस पर छात्राओं को संवैधानिक जानकारी दी। इसी प्रकार डॉक्टर एम के सिंह प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर ने नैतिकता धर्म व विज्ञान का मानव जीवन में महत्व पर प्रकाश डाला। खेल प्रकोष्ठ अधिकारी देवेंद्र सिंह परमार राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर ने भी योग खेल व्यायाम विषय की जानकारी छात्राओं को दी। अंत में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता ने कार्यक्रम का धन्यवाद प्रस्तुत किया व राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर संजय दीक्षित, केशव रावत, अनिल त्यागी, विजय त्यागी, नरेश तोमर, ब्रज मोहन, राधा शर्मा, सुमन गुप्ता, सतेंद्र एवं समस्त छात्राएं उपस्थित रही। जिले के समस्त जिलेवासियों को 2023 नववर्ष शुभ में हो, मंगल में हो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की सभी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद। नमस्ते, समस्त क्षेत्रवासियों को नववर्ष 2023 के पावन अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। आप सभी से ऐसी श्रेष्ठ कामनाएं इस नववर्ष के पावन अवसर पर। आप सभी योग करें और आरोग्य रहें। धन्यवाद। समाज सेवी सुनील जगरिया एवं उनकी धर्मपत्नी कुसुम जगरिया पुरानी छावनी धौलपुर की ओर से सभी धौलपुर जिलेवासियों को एवं प्रदेशवासियों को नववर्ष 2023 व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नया साल आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023। डीईओ केदारगिरी की सेवानिवृत्ति पर किया स्वागत। धौलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा केदारगिरी के सेवानिवृत्त होने पर गोस्वामी समाज की ओर से रॉयल बाइट्स होटल एंड रेस्टोरेंट सेपो रोड धौलपुर पर उनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पुरुषोत्तम गोस्वामी के नेतृत्व में समाज के लोगों ने डीईओ गिरी का माला एवं साफा पहना कर जोरदार स्वागत किया। साथ ही उन्हें गीता की पुस्तक और रुद्राक्ष भेंट किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान पुरुषोत्तम गोस्वामी ने कहा कि डीईओ गिरी का कार्यकाल काफी प्रशंसनीय रहा है, अब ये सेवानिवृत्त हो गए हैं, ऐसे में अब ये सामाजिक क्षेत्र में अच्छे कार्य कर समाज को नई दिशा देंगे। इस अवसर पर विष्णु भारती, गोपाली वासुदेव, सुरेश शिवदत्त, विजय सिंह, हाकिम सिंह सहित गोस्वामी समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। कंप्यूटर अनुदेशक चयनित अभ्यर्थियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिले भर के कंप्यूटर अनुदेशक चयनित अभ्यर्थियों ने आज सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशकों की ज्वाइनिंग को लेकर जल्द से जल्द कंप्यूटर अनुदेशकों को नियुक्ति देकर राजस्थान के आईटी बेरोजगारों को राहत प्रदान करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान में पहली बार निकाली गई कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती बीते एक साल से लंबित है। 18 जून 2022 को परीक्षा प्रोविजनल रिजल्ट, 31 अगस्त 2022 को आने के बाद दस्तावेज सत्यापन 27 अक्टूबर 2022 से 7 नवंबर 2022 तक किया गया।
परीक्षा हुए लगभग 200 दिन व दस्तावेज सत्यापन होने के लगभग 60 दिन से अधिक समय हो जाने के बाद भी परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बिना कंप्यूटर शिक्षक के दिसंबर माह में अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई है। मार्च में वार्षिक परीक्षा होने वाली है, लेकिन कंप्यूटर विषय को पढ़ाने के लिए स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। बच्चे बिना शिक्षक के ही इस विषय की परीक्षा देंगे। इस विषय को पढ़ाने के लिए स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक होना चाहिए, लेकिन सरकारी भर्ती निकलने के बाद 11 माह बाद भी बच्चों को शिक्षक उपलब्ध नहीं करा पाई है। अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के 10,000 से अधिक स्कूलों में कंप्यूटर लैब है, लैब का भी बच्चों को समुचित फायदा नहीं मिल पा रहा। शिक्षकों के अभाव में कंप्यूटर कबाड़ हो रहे हैं। लैब का विद्यार्थियों को तभी फायदा मिल सकता है जब स्कूलों में कंप्यूटर टीचर हो। ज्ञापन में जिला कलेक्टर से जल्द कंप्यूटर अनुदेशकों को नियुक्ति देकर राजस्थान के आईटी बेरोजगारों को राहत प्रदान करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में राघव पाठक, संजय, अमित शर्मा, मनोज, राजीव, धीरज, अशोक, सचिन आदि मौजूद रहे। आज हमने कलेक्टर महोदय धौलपुर को अपना ज्ञापन सौंपा है कंप्यूटर अनुदेशक चयनित अभ्यर्थियों के तरफ से। हमारी परीक्षा को हुए करीब 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन ना ही अभी तक जो है फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है, और इसी जो है हम इंतज़ार में बैठे हुए हैं। इसी के बीच में ही बच्चों के जो है अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी हो चुकी हैं बिना कंप्यूटर शिक्षकों के। बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये हमारी सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द कंप्यूटर अनुदेशकों को जो है ज्वाइनिंग दी जाए। धौलपुर कलेक्टर आवास पर उपस्थित हुए हैं। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हमारे साथ के सभी कंप्यूटर अनुदेशकों जिनका भर्ती का परिणाम अभी रुका हुआ है, वो हमारी कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि भर्ती का परिणाम जल्द से जल्द जारी करवाएं, क्योंकि कंप्यूटर अभ्यर्थी जिनका परिणाम 200 दिन हो चुके हैं पेपर हुए, अभी तक जारी नहीं हुआ है। और विद्यालयों में जो अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हैं वो भी बिना कंप्यूटर निर्देशकों की पूर्ण की जा चुकी हैं। इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है कि कंप्यूटर निर्देशकों को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया की जाए। अग्रवाल समाज की बैठक में कई सामाजिक व राजनीतिक बिंदुओं पर हुई चर्चा। अग्रवाल समाज करौली की टोड़ा भीम इकाई ने 1 जनवरी 2023 को स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि धौलपुर निवासी अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार गर्ग रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र गुप्ता, गंगापुर सिटी के नगर पालिका अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता, गंगापुर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णकांत मित्तल, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष राजेश गर्ग, युवा संगठन मंत्री विष्णु सिंगल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करौली जिला अध्यक्ष मूल चंद्र ने की। कार्यक्रम का संचालन करौली जिला महामंत्री जयेश अग्रवाल ने किया। सभा में सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। सभा में उपस्थित सवाई माधोपुर, दौसा, धौलपुर, करौली जिले के अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों ने करौली जिले की मुहिम प्री वेडिंग शूट के विरोध में सर्वसम्मति से समर्थन दिया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग की उपस्थिति में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य अतिथि गिरीश गर्ग ने अपने उद्बोधन में वर्ष 2023 चुनावी वर्ष होने के कारण समाज से आग्रह किया कि आने वाले चुनाव में अग्रवाल समाज की उपस्थिति 100% मतदान करके जरूर दर्ज कराए एवं जिला स्तर पर समाज का अधिवेशन आयोजित करें। पेंशनर समाज की बैठक में कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। पेंशनर शाखा बसेड़ी का नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन पंचायत समिति परिसर बरसेड़ी स्थित मंदिर पर सभा अध्यक्ष बालेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए पेंशनर समाज अध्यक्ष शिवचरण लाल शर्मा ने कहा कि वर्तमान में पेंशनर को 80 वर्ष की आयु पर 20% का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें क्रमशः 65,
70, 75, 80 वर्ष की आयु पर 5% के हिसाब से लाभ दिया जाना चाहिए। कम्युनिकेशन फंड की कटौती 14 वर्ष की बजाय 10 वर्ष पर ही की जाए। राज्य कर्मचारियों की तरह पेंशनर को भी बोनस मिलना चाहिए। हरिओम गर्ग ने कहा कि बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र होते हुए भी बसेड़ी उपखंड में पेंशनरों के लिए मेडिकल की दुकान नहीं है। इसके लिए जल्द ही मांग पत्र देकर बसेड़ी में RGSH के तहत एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सहित सभी जरूरतमंद दवाइयों की दुकान खुलवाने की मांग की गई है, जिससे पेंशनरों को दवाइयों के लिए बाड़ी धौलपुर नहीं भटकना पड़े। मायाराम शर्मा ने कहा कि पेंशनर को आयकर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और पेंशनरों की भी सभी मांगों को जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। बैठक के दौरान पेंशनर समाज के वरिष्ठ सदस्य विश्वनाथ भारद्वाज की असामयिक मृत्यु होने पर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान हरिओम गर्ग, प्रेम सिंह, कैलाश चंद्र अग्रवाल, श्री गोपाल शर्मा, बालेश्वर प्रसाद शर्मा, रोशन लाल, ओम प्रकाश शर्मा, हरेंद्र सिंह धाकरे, दिनेश चंद्र गोयल, राम गोपाल शर्मा, महेश पचौरी, भीम सिंह परमार, अशोक गर्ग सहित कई पेंशनर मौजूद रहे। आज बसेड़ी की बैठक पंचायत समिति में आयोजित की जा रही है। इसमें 90 मिलन समारोह एवं सभी सुख दुख मिलन आपस में विचार विमर्श चल रहा है। इस मीटिंग के दौरान हमारी मुख्य समस्या क्या है कि उपखंड होते हुए, विधानसभा क्षेत्र होते हुए हमारे यहाँ RGSH की दुकान नहीं है, उसके लिए मांग पत्र के लिए विचार विमर्श हुआ है, तो मांग पत्र सीखिए जो साहब को तौर पर एक साहब बसेड़ी को दिया जाए। इसके अलावा अन्य काफ़ी मांग हैं, उनके बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है, तो इसके लिए मांग पत्र तैयार किया जा रहा है। ये दूसरे पेंशनर्स पर जो इनकम टैक्स दिया जाता है उसको भी कम किया जाए, माफ़ किया जाए। तीसरे ये जो RGHS की यहाँ दुकानें नहीं। हथियारबंद चोरों ने दंपत्ति को बंधक बनाकर की लाखों की चोरी। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार रविवार की रात को सागरपाड़ा के पास आधा दर्जन चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए 4 लाख रुपए की नकदी के साथ लाखों रुपए के आभूषणों को पार कर दिया। मकान में मौजूद युवक के साथ मारपीट करने के बाद चोर मौके से फरार हो गए। वन विभाग में तैनात कर्मचारी दीनदयाल पुत्र रामचरण के घर हुई चोरी की वारदात को लेकर उसके पुत्र प्रवीण ने बताया कि देर रात को आधा दर्जन चोर छत के रास्ते से उसके घर में आए थे, जहां चोरों ने घर में सो रहे प्रवीण के डंडे से मारपीट करने के बाद उसे अवैध हथियार से बंधक बना लिया। प्रवीण को बंधक बनाने के बाद चोरों ने उसकी पत्नी को भी डरा धमका कर चुप करा दिया। इसके बाद अलमारी का ताला तोड़कर 4 लाख रुपए की नकदी और घर में रखे करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषणों को लेकर चोर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि घटना के दौरान उसका पिता बगल के मकान में सो रहा था, जो एक प्लॉट खरीदने के लिए 4 लाख रुपए बैंक से निकालकर लेकर आया था। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसूरिया मय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां घटना की बारीकी से निरीक्षण करते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है, जिसका खुलासा जल्द कर दिया जाएगा। हमारा 1 बजे की बात है, वहां पे घर पे एकदम गेट खोला, गेट खोलने के बाद मैं जगने के बाद मैं खड़ा हुआ, जैसे मेरे को दबोच लिया, पहले उसने मुझे डंडे दिए, डंडे देने के बाद मेरे को रजाई डाल दी, मेरे ऊपर रजाई डालने के बाद मेरे ऊपर कट्टा लगा दिया, कट्टा लगाने के बाद मेरे को बंद कर दिया, शांत कर दिया मेरे को। शांत करने के बाद वो सारा माल लूटते रहे हैं, मैं रखा रहा हूँ चुपचाप। क्या नाम है आपका? रवीन कुमार। यस। 4 लाख रुपये कैश, 2.5 लाख, 2.5 किलो चांदी, 12 तोले सोना था। पत्नी से कानों में से कुंडल ताले थे। 2 लोग तो मेरे को शांत कर दिया, मैंने देखे नहीं हो कितने लोग, 2 लोगों ने तो मेरे को पकड़े थे और शांत कर दिया। कुछ पुलिस को 2 बजे के करीब जगते हुए निकलते हुए बाहर सूचना दी थी, हाँ पुलिस आई थी, मैंने एफआईआर करा दी। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं,
क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और एक महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिंपल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर में पहली बार खुला विदेशी सुविधाओं से युक्त फोटो स्टूडियो। आधुनिक सुविधाओं से युक्त और भी है बहुत कुछ खास। हमारे यहाँ न्यूबॉर्न किड्स फोटोग्राफी, मैटरनिटी, प्री वेडिंग, शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों की शानदार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी उचित रेट पर की जाती है। बच्चों की स्पेशल थीम बनाकर फोटोग्राफी की जाती है। क्रिसमस से लेकर मकर संक्रांति तक बच्चों की फोटोग्राफी पर स्पेशल ऑफर, शुरुआती 21 शादियों की बुकिंग पर स्पेशल डिस्काउंट, एक बार अजमा कर जरूर देखें। MJ फोटो स्टूडियो, PNB बैंक के पास, धूलकोट रोड, धौलपुर। ट्रक पलटने से चालक की हुई दर्दनाक मौत। NH-11B पर खनपुरा गांव के पास एक ट्रक को पीछे से आते दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे हादसे में आगे जा रहा ट्रक सड़क किनारे जाकर पलट गया। ट्रक के पलट जाने से उसमें सवार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही देर रात को मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने मृतक ड्राइवर के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी। पुलिस की सूचना पर सोमवार सुबह धौलपुर पहुंची मृतक ट्रक ड्राइवर बच्चू, उम्र 26 साल, पुत्र ब्रजवासी निवासी आगरा की पत्नी मंजू देवी ने सदर थाने में अज्ञात ट्रक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मृतक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक उसका पति रविवार को ट्रक में माल भरकर बाड़ी से आगरा की ओर जा रहा था, जिसके ट्रक को पीछे से तेज गति से आते ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो जाने के बाद पुलिस की मदद से उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा ट्रक ड्राइवर को मृत घोषित किए जाने के बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस ने बताया कि मृतक ट्रक ड्राइवर की पत्नी की तहरीर पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस मौके से फरार दूसरे ट्रक की तलाश में जुट गई है। DPL प्रीमियर लीग का हुआ शानदार आगाज। धौलपुर प्रीमियर लीग का उद्घाटन बड़ी फील्ड धौलपुर में IPL प्लेयर तेजेंद्र सिंह ढिल्लर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए तेजेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से छोटे शहरों की प्रतिभाओं को बड़ा मंच प्राप्त होता है और उनकी प्रतिभा में निखार आ जाता है। उन्होंने कहा कि धौलपुर जैसे शहर में इस प्रकार के आयोजन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि IPL की तर्ज पर धौलपुर प्रीमियर लीग का बहुत ही भव्य आयोजन किया है, इसके लिए आयोजन कमेटी धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सभापति प्रतिनिधि निशान सिंह चौधरी ने कहा कि नगर परिषद धौलपुर शीघ्र ही खिलाड़ियों के सपने साकार करने जारी है। नगर परिषद धौलपुर द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम के लिए DPR तैयार की जा चुकी है और वर्ष 2023 में एक भव्य स्टेडियम का निर्माण होगा, जो कि खेल प्रेमियों के लिए नगर परिषद की तरफ से तोहफा होगा। इस अवसर पर डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, गोरेलाल कुशवाहा ने खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी और खेल नियमों के साथ खेल भावना का परिचय देने की बात कही। प्रतियोगिता के प्रारंभ में तेजेंद्र सिंह ने
DPL प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का विमोचन किया, जिसमें 10 टीमों के स्पॉन्सरों ने भागीदारी निभाई। इस अवसर पर रितेश शर्मा, राजवीर सिंह गुर्जर, रेखु चौधरी, चमादान चौधरी, संजय गुर्जर, अकील अहमद, शैलेंद्र यादव आदि की कमेटी की ओर से सम्मान किया गया। उद्घाटन मैच ओल्ड सिटी वॉरियर्स व जय धौलपुर के मध्य खेला गया, जिसमें जय धौलपुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। ओल्ड सिटी वॉरियर्स 110 रन पर ऑल टीम हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जय धौलपुर की टीम ने 18.4 ओवर में विजयी लक्ष्य प्राप्त कर लिया। मैच में 3 विकेट लेने के लिए मुकीम को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। प्रतियोगिता के निर्णायक विनोद तिवारी, रघु गहलोत थर्ड एम्पायर के रूप में संजीव श्रीवास्तव रहे। मैच के स्कोर देवेंद्र व कमेंटर आमिर हुसैन व रोविन त्यागी रहे। को लेकर और क्या आज की बात है आप बताइए। जैसा कि आप जानती हैं, धौलपुर मेरी कर्म भूमि है। यहाँ पर आके मुझे हमेशा अच्छा लगता है और इतना अच्छा टूर्नामेंट, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं जो कमेटी मेंबर्स हैं, देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं आशा करता हूँ यहाँ से और लड़के आए धौलपुर के लिए, नाम रोशन करें, रणजी ट्रॉफी खेले और के लिए। तेजिंदर ढिल्लन ने रॉयल क्रिकेट एकेडमी का किया उद्घाटन। राजस्थान में युवा प्रतिभाओं को निखारने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत रॉयल क्रिकेट एकेडमी बाड़ी ने रविवार को टोंटरी अलीगढ़ रोड स्थित कादर कॉलोनी बाड़ी में रॉयल क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्य अतिथि RCA पूर्व सचिव सोमेंद्र तिवारी, IPL प्लेयर तेजिंदर सिंह ढिल्लन, DCA आयोजक आमिर खान, मुस्लिम समाज अध्यक्ष सैफ सईद और बाड़ी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन इरफान अहमद रहे। रॉयल क्रिकेट एकेडमी के फाउंडर रिजवान अहमद ने अपनी पहली रॉयल क्रिकेट एकेडमी की घोषणा की है, जो युवा प्रतिभाओं की खोज कर उभारने का प्रयास करेगी। RCA के पूर्व सचिव सोमेंद्र तिवारी ने कहा कि रॉयल एकेडमी पूर्ण प्रशिक्षण के माध्यम से बाड़ी में क्रिकेटरों के एक विशिष्ट समूह को विकसित करने में भी मदद करेगा। IPL प्लेयर तेजिंदर ढिल्लन ने कहा, युवा खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ अपनी शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। समय समय पर रॉयल क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ियों को अपना मैं समय दूंगा और उनको टिप्स भी सिखा दूंगा, जिससे उनका खेल और निखरे। रॉयल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर रिजवान अहमद, DPL आयोजक आमिर खान आदि ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर रॉयल क्रिकेट एकेडमी के सीनियर जूनियर खिलाड़ियों के साथ साथ आमजन मौजूद रहे। हो गया बाड़ी के युवाओं के लिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक प्रयास है रॉयल क्रिकेट एकेडमी द्वारा। जो एक क्रिकेट एकेडमी यहाँ पर दी गई है, मुझे बहुत खुशी हुई कि बाड़ी जैसी जगह पे, जहाँ पर क्रिकेट को, मैं यहाँ पर खेलने आया था आज से 10-12 साल पहले, और आज 10-12 साल बाद आने का मौका मिला, एज अ चीफ गेस्ट मौका मिला। और जैसे कि एकेडमी देखी, उसमें टर्फ विकेट भी है और सीमेंट विकेट भी है, तो मैं युवाओं को अपील भी करना चाहूँगा कि यहाँ पर आएँ और अपने क्रिकेट। मैं आपके घर का आदमी हूँ, बिल्कुल स्पीकिंग फ्रेंकली, जो मेहनत करेगा वो जाएगा। तनवीर सब तो नहीं बन गए धौलपुर में, सब तेजेंद्र नहीं बन गए ना। 200 लड़के आते हैं, एक तनवीर निकला। 5000 लड़के आगरा में आते हैं, एक तेजेंद्र निकला, एक दीपक निकला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले अपने अंदर आग लगाओ। ये रिजवान ने, भाई ने, हमारे ने जब चेयरमैन थे तो हमारी 10 बार बैठकें हुई इस क्रिकेट को लेके, और आपके ये जो मंदिर वाला ग्राउंड है इसको लेके। मैं ये कह रहा हूँ आप लोग करो, मेरा जहाँ सहयोग चाहिए आधी रात, आप रात के 2 बजे फोन करके देख लो। बॉलीवुड क्रू मेंबर ने फिल्माए शॉट, देखने उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। लाइट कैमरा एक्शन कट शॉट ओके, ये आवाजें माया नगरी मुंबई के क्रू मेंबर की टीम की एक मूवी की शूटिंग की सुबह बसेड़ी कस्बे में सुनाई दी और कलाकारों द्वारा फिल्माए गए शॉट और डायलॉग दिखे। बीहड़ बागी बंदूक को अपनी फिल्मों में उतारने का क्रेज अभी माया नगरी में बना हुआ है, जिससे ये यहाँ की लोकेशन इन्हें
खींच लाती है। अब द बार्बर ऑफ बहादुर मूवी की शूटिंग बसेड़ी कस्बे में हुई, जिसके दृश्य मुख्य चौराया, सदर बाजार आदि स्थानों पर शूट किए गए, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। ब्रज और अंग्रेजी भाषा में बनी यह फीचर फिल्म में धौलपुर अंचल के साधारण ग्राम्य जीवन में होने वाले दैनिक जीवन को दिखाया जाएगा। बसेड़ी कस्बा में एक मिठाई की दुकान, नाई की दुकान आदि पर फिल्म की शूटिंग हुई। 2.25 घंटे की इस मूवी में ग्रामीण परिवेश और समाज में रिश्ता पक्का कराने और तमाम कामों में एक नाई की क्या भूमिका रहती है, उसे सुंदर रूप में दिखाया गया है। फिल्म का डायरेक्शन देख रहे संजीव राज सिंह परमार और देवेंद्र सिंह परमार ने बताया कि हमारा प्रयास है कि हमारी फिल्म में धौलपुर अंचल के साधारण ग्रामीण परिवेश को दिखाया जाए। कस्बे में पहली बार फिल्म की शूटिंग होने पर कस्बे के लोगों में उत्साह देखा गया और आमजन को जैसे ही शूटिंग की जानकारी हुई तो वह सर्दी के मौसम में फिल्म की शूटिंग देखने पहुंच गए। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कोरफोम व स्लिप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। अब धौलपुर में भी खुला देश दुनिया का विख्यात चाय सुट्टा बार, जहां मिलती है विश्व की प्रसिद्ध चाय। देश भर में 550 से अधिक फ्रेंचाइजी, चाय अदरक, पान चाय, चॉकलेट चाय, मसाला चाय, केसर चाय, लेमन टी आदि विभिन्न तरह की चाय। इसके अलावा कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, आइस टी, मैगी, मिल्क शेक, मोजिटो, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, आइस क्रशर, मसाला लेमोनेड आदि स्वादिष्ट चीजें उचित रेट पर मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें चाय सुट्टा बार, गुलाब बाग चौराहा पैलेस के सामने, धौलपुर। यूडी कॉलेज की छात्राओं ने शिविर के अंतिम दिन निकाली जागरूकता रैली। धौलपुर शहर के पंडित उमादत्त गर्ल्स पीजी कॉलेज धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के 7वें दिन का शुभारंभ प्रार्थना सभा एवं योगा अभ्यास से किया गया। 7 दिवसीय विशेष शिविर का विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ समापन हुआ। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोषी लाल शर्मा ने संभागी छात्राओं को बताया कि यदि कोई देश स्वच्छ है तो नागरिक स्वस्थ है और इससे एक स्वस्थ राष्ट्र बनता है। स्वच्छता सीधे किसी देश के विकास और सफलता को प्रभावित करती है। पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर खुशी शर्मा, द्वितीय स्थान पर स्नेहा मित्तल एवं तृतीय स्थान पर अंकिता चौधरी रही। NSS के बेस्ट वॉलंटियर एवं विभिन्न प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली संभागीय छात्राओं को पुरस्कृत व सम्मानित किया गया। मंच का संचालन NSS प्रभारी विजय भारद्वाज के द्वारा किया गया। गोस्वामी समाज का नववर्ष मिलन समारोह हुआ संपन्न। गोस्वामी समाज धौलपुर द्वारा समाज के छात्रावास पर नववर्ष मिलन समारोह केदारगिरी गोस्वामी सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी के मुख्य आतिथ्य एवं राधेश्याम शास्त्री की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में ओम प्रकाश गिरी एवं कैलाश महंत उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक सुरेश गोस्वामी ने बताया कि इस अवसर पर सेवानिवृत्त होने वाले जिला शिक्षा अधिकारी केदारगिरी गोस्वामी का समाज के लोगों द्वारा अभिनंदन किया गया। साथ ही सामाजिक कुरीतियों के निवारण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए रामप्रसाद गोस्वामी बाड़ी LIC के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर युवा रमाकांत गोस्वामी तथा श्रेष्ठ सामाजिक सहयोगी के रूप में राकेश गिरी नायब तहसीलदार को सम्मानित किया गया।
मुख्य अतिथि केदार गिरी ने समाज के लोगों को सफलता की कुंजी शिक्षा को बताते हुए अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित करने तथा युवाओं को कठोर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समाज के छात्रावास में मरम्मत कार्य करवाने के लिए नगद 11,000 रुपए दिए। रामप्रसाद गोस्वामी बाड़ी ने 3100 रुपए मरम्मत कार्य के लिए प्रदान किए। वैद्य वासुदेव गोस्वामी व डॉक्टर गोपाल ने समाज के लोगों को कुरूतियों को त्यागने व बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित करने तथा समाज की गतिविधियों में सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर प्रोफेसर अनिल गिरी, नर्सिंग ऑफिसर महेश गोस्वामी, रामविलास गोस्वामी, शिक्षक संघ सियाराम के अध्यक्ष विजय सिंह गोस्वामी, व्याख्याता भगवान पुरी, भगत गिरी, महंत विष्णु भारती, मनोज गोस्वामी सहित बड़ी तादाद में समाज के लोग उपस्थित रहे। जीवोत्थान फाउंडेशन का परिचय सम्मेलन हुआ संपन्न। जीवोत्थान फाउंडेशन का परिचय सम्मेलन एवं अन्नकूट प्रसादी वितरण कार्यक्रम लीवना शर्मा के सानिध्य मंशापूर्ण हनुमान मंदिर ग्राम शेरगढ़ धौलपुर पर आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, विशिष्ट अतिथि बच्चू सिंह शर्मा, मुरारी गुर्जर, पूर्व सरपंच मोरोली, अतिथि रविन्द्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य मनोज रहे। अतिथियों का जीवोत्थान फाउंडेशन की ओर से साफा माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा सहदेव हुंडावाल को मंदिर जीर्णोद्धार एवं सफल संचालन के लिए, संजीव झा उर्फ बोली को मंदिर जीर्णोद्धार एवं संचालन के सहयोग के लिए साफा माला पहनाकर एवं प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजन में बच्चू सिंह शर्मा द्वारा जीवोत्थान फाउंडेशन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि जैसे एक कंपनी किसी प्रोडक्ट को चलाने के लिए मैनुअल जारी करती है, इसी प्रकार सृष्टि चलाने के लिए ईश्वर द्वारा वेदों के रूप में मैनुअल यानी दिशा निर्देश पुस्तिकाओं को जारी किया गया है। डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि आज वैज्ञानिक भी वैदिक ग्रंथों पर ही खोज कर रहे हैं और ऑर्गन ट्रांसप्लांट आदि पूर्व काल में भी थे। प्राचीन विज्ञान आज के विज्ञान से कहीं आगे था। कार्यक्रम के उपरांत सभी भक्तों ने अन्नकूट प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर पप्पन तिवारी, दुष्यंत शर्मा, सेठ मनोज हुंडावाल, प्रशांत हुंडावाल, राहुल शर्मा, रामदास शर्मा, कुसुम हुंडावाल, इंद्रम मुदगल, अमित मुदगल, संतोष खलीफा, अक्षत शुक्ला, मनु हुंडावाल, आदित्य हुंडावाल, हरिओम शर्मा आदि उपस्थित रहे। जन कल्याण के लिए किया गया रुद्राभिषेक एवं भजन कीर्तन। धौलपुर शहर के आचार्यों के द्वारा जन कल्याण के लिए रुद्राभिषेक एवं भजन कीर्तन व ब्राह्मण भोज किया गया। पंडित लोकेश आचार्य ने बताया कि वर्ष 2023 में सभी की सुख शांति समृद्धि के लिए मशकुंड स्थित श्री सीताराम दुर्ग मंदिर में शंकर भगवान का रुद्राभिषेक एवं भजन कीर्तन के साथ मशकुंड महाराज की परिक्रमा सभी आचार्यों के द्वारा की गई। आचार्य ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम हर महीने किया जाना सुनिश्चित किया गया है। राधे राधे मित्रों, सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे ब्राह्मण समूह द्वारा जो विप्र संगोष्ठी हमने पिछली बार रखी थी, उसके आयोजनों में से एक आयोजन हमने मचकुंड के श्री सीताराम मंदिर पर कार्यक्रम रखा था जन कल्याण के लिए। जैसा कि हमने अपने ज्योतिष से जाना है, इस 2023 में कुछ जैविक हमलों का या महायुद्ध का योग बन रहा है। एलियन वगैरह इस पृथ्वी पर कहीं देखे जा सकते हैं, ऐसा कुछ योग बन रहा है। उससे पृथ्वी की रक्षा हेतु, जीवों की, गायों की रक्षा हेतु, जो हमारे संगठन द्वारा हर महीने अलग अलग मंदिरों पर पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक, सुंदरकांड आदि पाठों के द्वारा और वहां प्रसादी का वितरण करके आयोजन किया। दो दिवसीय विशाल हरे कीर्तन दंगल का हुआ आयोजन। बाड़ी उपखंड के सुनीपुर गांव के सूजी बाबा मंदिर पर दो दिवसीय विशाल हरे कीर्तन दंगल का आयोजन किया गया। गांव के नारायण हरि
कीर्तन मंडल और ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित इस दंगल में स्थानीय और बाहरी पार्टियों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। ऐसे में कार्यक्रम को देखने के लिए सुनीपुर और आसपास के गांव से सैकड़ों महिला एवं पुरुष मंदिर पर उमड़ पड़े। दो दिवसीय इस दंगल कार्यक्रम में स्थानीय पार्टी के रूप में सुनीपुर के मेडिया रोशनलाल मीणा और धनेरा सरमोथरा के मीडिया लज्जाराम की पार्टी ने दी। वहीं करौली के टोडा भीम से मीडिया विजय सिंह मीणा और सिकराय दोसा के मीडिया मदन मास्टर की पार्टी ने दंगल में प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। बसेड़ विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने दंगल कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में शिरकत की और कलाकारों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने सभी ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन आज भी ग्रामीण क्षेत्र की परंपरा को जीवित रखे हुए है, जो पुराने समय में मनोरंजन का एक बहुत अच्छा साधन थे। ऐसे दंगल आयोजन से भी ज्ञान बढ़ता है। कार्यक्रम के दौरान सूजी बाबा मंदिर की चार दीवारी एवं अन्य कार्यों के लिए खिलाड़ी लाल बैरवा ने अपने विधायक कोष से 5 लाख रुपए देने की कार्यक्रम में घोषणा की। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा विधायक का ग्रामीण परंपरा से साफा बांधकर स्वागत किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।